राजस्थान में मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से पहले हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा की गुपचुप मुलाकात के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। एक के बाद एक दिग्गज नेताओं का राजस्थान के रण में कूदना गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में आ रही अड़चनों की अटकलों को हवा दे रहा है। लेकिन कांग्रेस आला कमान की कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही है। सचिन पायलट ने केंद्रीय नेतृत्व का ऑफर ठुकरा दिया है। सचिन पायलट दिल्ली से दोबारा वापस राजस्थान आ गए हैं। राजस्थान लौटते ही पायलट ने अपने समर्थकों के साथ बैठक शुरू कर दी है। पिछले दिनों सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया था। पायलट ने कहा है कि वह राजस्थान राजनीति को छोड़कर केंद्रीय टीम में शामिल हो जाएं, लेकिन सचिन पायलट ने इस ऑफर को ठुकरा दिया कि सचिन पायलट चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस का जल्द से जल्द फैसला हो। इसी कड़ी में केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच सचिन पायलट अब दिल्ली से लौट आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते 5 दिनों में सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। वहीं उनके जयपुर पहुंचते ही उनके समर्थकों का उनसे मिलने का तांता लग गया। पायलट के लौटने के बाद उनके आवास पर समर्थकों की हलचल तेज है। विधायक राम निवास गवड़िया, वेद सोलंकी, इंद्रराज गुर्जर और राकेश पारिक ने पायलट से मुलाकात की। वहीं दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र बलेंदु सिंह समेत अन्य नेता भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले रमेश मीणा ने भी उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि रमेश मीणा ने लंबे समय बाद पायलट से मुलाकात की है। ऐसे में दिल्ली लौटने के तुरंत बाद मीणा का पायलट से मुलाकात करना अब सियासी बाजार में चर्चा का विषय बन गया है। मुद्दतों बाद रमेश मीणा पायलट से मुलाकात कई सवाल राजनीति के जानकारों के मन में सवाल पैदा कर रही है। इस मुलाकात से कयास लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट अब कोई नई योजना बना रहे हैं। सचिन पायलट को यह लगने लगा है कि अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर उन्हें राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। ऐसे में सचिन पायलट के लिए गहलोत को चुनौती देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर पायलट गहलोत की रणनीति के अनुसार केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं तो उनका राजस्थान की राजनीति में वापस आने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए अब सचिन पायलट ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पहले भी मीणा और गुर्जर को एक साथ लेकर सचिन ने कांग्रेस को राजस्थान में जीत दिलाई है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा के बाद गहलोत और पायलट दोनों ही खेमों में टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।